नमस्कार, जेबीटी अध्यात्म में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकिता। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिया था। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। आपको बता दें कि गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं जिनमें धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए सत्कर्म करने की शिक्षा दी गई है। जीवन की सभी दुविधाओं और समस्याओं का हल गीता में मिलता है। माना जाता है कि गीता की बातों का अनुसरण करने से जीवन बदल जाता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। तो चलिए जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता की उन बातों के बारे में जिन्हें अपनाकर कोई भी विजय प्राप्त कर सकता है। गीता के अनुसार आपको बता दें कि व्यक्ति को अपने क्रोध पर काबू करना सीखना आना चाहिए। क्रोध आने पर व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत काम कर बैठता है। क्रोध में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं जिससे व्यक्ति आगे चलकर पछताता है। इसीलिए क्रोध आने पर खुद को शांत करने का प्रयास करें। गीता के अनुसार हर मनुष्य को आत्म मंथन करना चाहिए। आत्मज्ञान के जरिए ही व्यक्ति को अपने गुण और अवगुण के बारे में पता चलता है। आत्ममंथन व्यक्ति को सही गलत का निर्णय करने में मदद करता है। इसीलिए कुछ समय अकेले रहकर आत्ममंथन जरूर करें। इसके अलावा श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को स्वयं का आकलन करना भी बेहद जरूरी है। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक आप स्वयं से जुड़ा कोई भी फैसला मजबूती के साथ नहीं कर सकेंगे। जब मनुष्य अपने गुणों और कमियों को जान लेता है तब वो अपने व्यक्तित्व का निर्माण सही ढंग से कर पाता है। गीता के अनुसार हर व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। मन बहुत चंचल होता है और यही हमारे दुखों का कारण बनता है। जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता है वो सफलता की राह पर चल पड़ता है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म पर केंद्रित रहता है और लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेता है। श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मनुष्य को उसके कर्मों के अनुरूप ही फल प्राप्त होता है। इसीलिए परिणाम के बारे में सोचे बिना व्यक्ति को सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। नमस्कार।